हे बेटा, तुम्हें यहाँ आने के लिए इन सब तकल्लुफात की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा अपना घर है, जब दिल चाहे आओ। बस मुझे कॉल कर दिया करो आने से पहले। वो पहली दफ़ा आ रही थी ना, तो कुछ अजीब सा लग रहा था, इसीलिए सोचा कुछ साथ लेती हूँ। अरे अजीब की क्या बात है इसमें, तुम्हारे नसीब में लिखा था यहाँ आना, और जब नसीब में लिखी होती है ना कोई बात, तो बंदा वहाँ खुद ब खुद पहुँच जाता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप आंटी। अच्छा, रायद ऑफिस से कब तक आते हैं? अब देखो नसीब की बात है ना ये भी, आज तुमने यहाँ आना था तो इत्तेफाक से मैंने रायद को दफ्तर जाने ही नहीं दिया। मैं मिल लूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर। तुम चलो, मैं कॉफी भिजवाती हूँ। जी जरीना, जरीना केक फ्रिज में रखो और सकीना से कहो कि कॉफी बनाकर रायद बाबा के रूम में ले जाए। अगर आप कहेंगी ना तो कॉलेज भी छोड़ दूंगी। हैं? कॉलेज छोड़ दोगी तो बड़ी अफसर कैसे लगोगी? मुझे बड़ी अफसर लग के क्या करना है अब्बा? बड़ी सी गाड़ी लेनी है, बड़ा सा घर लेना है। मेरी बेटी को शुरू से गाड़ियों में घूमने की आदत है, तो हम गाड़ी लेंगे। आप फिक्र नहीं करें अब्बा, मैं सारी जिंदगी बड़ी सी गाड़ी में ही घूमूंगी। बगैर पढ़े लिख के कैसे? मैं तो एक मामूली सा मुंशी हूँ, तेरे लिए गाड़ी लेना चाहता हूँ लेकिन जेब इजाजत नहीं देती। हाँ, तू पढ़ लिख के अफसर बन जाएगी तो हम गाड़ी लेंगे, मैं भी तेरे साथ पीछे बैठ के जाया करूँगा। ये सारी पेंटिंग्स आपने बनाई हैं? नहीं, मैं एक बार बता चुका हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं बनाया। एक बात समझ में नहीं आती आपको? समझने की कोशिश कर रही हूँ रायत, जब भी तो लगा कि क्या लगा आपको और क्यों लगा? यही गुस्सा जो आपकी नाक पे नजर आ रहा है, बस यही इनमें भी नजर आता है। हो गया क्या? मेरे नाक का तजिया हो गया? नाक का मसला तो समझ आ गया, लेकिन इन आंखों में जो दर्द है। तुम्हें इतने मैनर्स नहीं है कि जब किसी के रूम में आते हैं तो नॉक करके आते हैं। मुझे शैला बीबी ने कहा था कि ये कॉफी, तो उन्होंने कॉफी का कहा होगा, लेकिन नॉक करने की तमीज तुम्हें खुद होनी चाहिए। इधर खड़ी मेरे मुंह को क्या देख रही हो? रखो और जाओ। 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 कल तक तो आपको सर्वेंट्स की बड़ी परवाह थी, फिर ये क्या था? तो मैं ह्यूमैनिटी में बिलीव करती हूँ। अच्छा, तो ये ह्यूमैनिटी आपके अपने सर्वेंट से दोस्ती की हद तक है? एक्सक्यूज मी, मैं जानती हूँ कि दोस्ती दोस्ती होती है और रिश्ते रिश्ते, और जहाँ तक मुलाजमों की बात है, हमें इस्लाम में मुलाजमों से और गरीबों से अच्छाई का सलूक करने को कहा गया, और मैं वही करती हूँ। इनसे रिश्तेदारी या दोस्ती नहीं करती, लेकिन इन्हें मैनर्स सिखाना भी हमारी जिम्मेदारी है। Thank you.
लीव नाउ, खुदाफिस। अरे ऐसे कैसे, पहली मर्तबा आई हो, इतनी जल्दी थोड़ी जाने दूंगी, डिनर से कम पर तो बात ही नहीं होगी। इस दफा तो मैं बगैर बताए आई हूँ, डिनर तब करूंगी जब इनवाइट करेंगे। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, मोहम्मद बहुत कम कुकिंग करती है लेकिन बहुत अच्छा बनाती है, रुक जाए थोड़ी देर। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें स्नूकर खेलने आती है? रायत, अरे जाओ बेटा, रायत के रूम में स्नूकर टेबल है और ये बहुत अच्छा स्नूकर खेलता है, तुम भी जाओ इसे ज्वाइन करो, मैं जूस भिजवा दी हूँ तुम्हारे लिए। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, तुम कब आई? मैं बस अभी, आई मीन थोड़ी देर पहले आई थी। अच्छा, मुझे किसी ने बताया नहीं? मैं तो बस जाने ही वाली थी, वो आंटी ने मुझे डिनर पर रोक लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है, ससुराल आई हो तो खाना खा कर जाना, बल्कि मैं तो कहती हूँ खाना खा के आइसक्रीम खाने चलेंगे। अरे नहीं नहीं, इसमें तो बहुत देर हो जाएगी। देर हो भी गई तो कोई मसला नहीं है, ससुराल आई हो। मैं भी सुहेल को बोलती हूँ, तुम्हारी मॉम को फोन करके समझा देंगे। अरे नहीं भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद। क्यों जरूरत नहीं है, तुम रुको। सुहेल प्लीज रूम में आएंगे, चलो आओ, मैं तुम्हें अपना रूम दिखाती हूँ, आ जाओ। वो तुमसे मिलने आई है और तुम्हें पता ही नहीं है? जी जी आंटी, आप परेशान ना हो, अगर वो थोड़ा लेट हो गई तो रायद उसे खुद ड्रॉप करने आ जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं और हाजरा खुद आ जाएंगे रायद के साथ, आप परेशान ना हो, हम खुद आएंगे। जी जी थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। प्रॉब्लम सॉल्व्ड? कौन सी प्रॉब्लम, और ये कहाँ जाने की बात हो रही है? सारा के घर। सारा के घर? वो एक्चुअली सारा बगैर बताए डिनर पर आ गई थी ना, तो दुर्दाना आंटी परेशान हो रही थी, इसीलिए हाजरा ने कहा कि मैं उनसे बात कर लूं। हाजरा ने? हाँ मॉम, हाजरा को रायद या किसी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई उसे प्यार और इज्जत देगा तो वो भी बदले में प्यार और इज्जत देगी। इसका मतलब ये है कि हम उसे इज्जत नहीं देते। मॉम अब आपका तो पता नहीं, लेकिन अब देखे ना, सारा ने हाजरा से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस की, उसने संभाल लिया ना। यहीं रहती हैं? नहीं, वो तो इस्लामाबाद चली गई। उन्हें ये दे देना बहुत जरूरी है। अरे साहब मैं सच बता रहा हूँ आपको, यहाँ नहीं है, इस्लामाबाद चली गई। इस्लामाबाद? जी। इस्लामाबाद वो कैसे चली गई? उनकी किसी रिश्तेदार का इंतकाल हो गया था तो वो इस्लामाबाद चले गए, अब तक तो वो पहुँचने वाले भी होंगे। उनकी दादी तो घर पे होंगी, प्लीज उन्हें दे दीजिएगा। ठीक है, लाजमी प्लीज।
सारा बीबी, ये मापारा बीबी के लिए आया, किसे दो? मुझे दे दो, आप जाओ। ये नोट्स मापारा को कोई क्यों भेजेगा? दादी, ये महापारा के लिए कुछ चीजें आई हैं, कोई उसको ये क्यों भेजेगा? नोट्स हैं और सिलेबस भी है इकोनॉमिक्स का। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा, ये किताबें कौन भेज सकता है उसे? हो सकता है उसने खुद मंगवाए हो, क्या पता वो आगे पढ़ना चाह रही हो। ज़हीन भी तो इतनी है, आगे पढ़ लेगी तो कहां से कहां पहुंच जाएगी। आप ये संभाल के रख लें, जब वापस आए तो उसे दे दीजिएगा। ठीक है बेटा, मैं संभाल के रख लेती हूँ, खुद ही देखेगी तो समझ जाएगी कि क्या करना है इसका। जी, और आपकी तबीयत कैसी है? हाँ बेटा, ठीक हूँ बिल्कुल। ये कौन भेज सकता है? शायद उसने खुद इम्तिहान के लिए मंगवाए होंगे, लेकिन मंगवाए थे तो लेकर क्यों नहीं गई? अब इम्तिहान कैसे देगी? क्या करूं? वो तो लेने भी नहीं आएगी। मैं उसे फोन करूं? नहीं नहीं, यहां सबको शक हो जाएगा। इस्लामाबाद से इतनी जल्दी कोई कैसे आ सकता है? मैं खुद दे आती हूं। हाँ, मेरे पास पता तो है। कोई रिश्तेदार नहीं है? किसकी फौतगी हो गई? भाई, मुझे चौकीदार ने ही कहा है, मैंने बुक और नोट्स चौकीदार को दे दिए हैं। दादी सो रही थी, वरना तो मैं उनसे भी साइन ले लेता। रिश्तेदार की डेथ हो गई है और दादी नहीं गई? नहीं, चौकीदार कह रहा था वो अकेली है, कल शाम की ट्रेन से गई है, अब पहुंचने वाली होगी। नहीं फयाज, मामला कुछ और है। अरे, यहाँ इस्लामाबाद में हमारा कोई रिश्तेदार नहीं रहता। मुझे लगता है हमसे सच छुपाया जा रहा है। खैर, मैं आज रात की फ्लाइट से कराची आ रहा हूँ, फिर देखते हैं। तुम नजर रखना उन पर। ठीक है। ओके, खुदा हाफिज। किसने भेजी? मैं समझी तुम्हारे काम की है, इसलिए तुमने मंगवाई। काम की तो बहुत है मेरी, लेकिन दादी मैं इतनी महंगी किताबें कैसे मंगवा सकती हूँ? नाम तो तुम्हारा ही लिखा था, किसने भेजी होंगी? नाम तो मेरा ही लिखा है, लेकिन दादी अब कुछ भी हो जाए, आप किसी भी वजह से यहाँ पर मुझसे मिलने नहीं आएंगे। मैं नहीं चाहती किसी को भी मेरे यहाँ होने का पता चले, या आपके निकलने पर किसी को भी शक। ठीक है, अब आप जाएं प्लीज। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखें। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, वापस बुला प्लीज। हाजरा, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? कमरे में जाके आराम करो। मैं ठीक हूँ। सुहेल ठीक कह रहा है बेटा, तुम जाकर कमरे में आराम करो। आप क्या चाहते हो? पैरालाइज होके बेड पे पड़ जाऊं?
खुदाना खास्ता मैं ये तो नहीं कह रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि तुम्हें आराम की जरूरत है। रेस्ट के साथ साथ ज़हनी सुकून भी जरूरी है, और ज़हनी सुकून के लिए घर का माहौल खुशगवार होना चाहिए, जो इस घर में मुझे हरगिज़ नहीं मिलेगा। तो तुम्हें क्या परेशानी है इस घर में? तुम खुद को आराम दो, अपने ज़हन को आराम दो, सब ठीक हो जाएगा। ज़हनी परेशानी? सबसे बड़ी ज़हनी परेशानी वो आपका साइको बेटा रायद है। एक दिन दवाई ना खाए तो घर सर पे उठा लेता है। हाजरा, हाजरा ये क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूँ मैं, मुझे तो हैरानगी होती है, सारा जैसी लड़की से इसकी मंगनी कैसे हो गई? बेचारी सारा सारी जिंदगी इस साइको को भुगतेगी। सुहेल देखो ये कैसे बात कर रही है मुझसे। मॉम आप इसे छोड़ें, इसकी तबीयत खराब है। आप कहाँ जा रहे हैं इनके पीछे पीछे? इधर आए, इनका पल्लू पकड़ के एक बेटा तो पागल हो ही गया है, आप भी हो जाएंगे। हाजरा हाजरा ये कोई करने वाली बात है क्या? अच्छा जब रायत के ससुराल में इन्होंने मुझे साइको मशहूर किया तब तो आपकी जबान बंद थी, तब तो आप कुछ नहीं बोले। अब ये सब तुम्हें किसने बताया? किसने बताया किसने नहीं ये बात छोड़े, और ये सोचे कि अगर मैंने रायत के बारे में वहां बता दिया तो क्या होगा? तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा हाजरा। अगर आपके बारे में मैंने रायत को बता दिया तो भी आपसे बुरा कोई नहीं होगा। रायत की नजरों में मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मुझे यूं आप सबका भाग भाग के सारा के घर जाना हर किस बर्दाश्त नहीं है, तो बेहतर है कि इसे अवॉइड करें। इसमें प्रॉब्लम क्या है? उस दिन तुमने खुद ही उसे रोका था और छोड़ने भी गई थी उसे। मैं तो आज भी उसे रखूंगी, लेकिन इस घर से वहां कोई नहीं जाएगा। लेकिन क्यों? वो इसलिए कि आपकी मॉम मेरे घर तो ऐसे भाग भाग कर नहीं आती थी। लेकिन हजरा लेकिन जो आती थी वो इस घर से अब जा चुकी है, बेहतर है कि उसका जिक्र भी चला जाए। हजरा भूल जाओ उसे। आप भूल गए? मैं भी नहीं भूलूंगी। भूलूंगा तो मैं भी नहीं। आप अभी और इसी वक्त यहां से चले जाएं, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा, और इस बार मेरा हाथ रोकने के लिए ना यहां पर आपका भाई मौजूद। यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि इस दफा तो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। ये क्या हरकत है? पहले कहते हैं पढ़ो पढ़ो, जब पढ़ने बैठे हो तो तंग कर रहे हैं। ना पेन वापस। क्या मतलब पेन वापस करें यार, बहुत हो गया, बहुत पढ़ लिया तुमने। मैं बोर हो रहा हूँ, टाइम दो मुझे, एक बाजी चेस खेलते हैं। नहीं खेलना मुझे आपके साथ, आप प्लीज मुझे पढ़ाई करने दें। अच्छा जी, यानी इसका मतलब ये है कि तुम डरती हो हारने से। कभी कभी हारने वाला ही जीत जाता है, आपका और मेरा मामला भी यही होगा। अच्छा नहीं, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। पेन वापस, पेन वापस करे। ये रहा।
अच्छा प्लीज यार एक बाजी चेस हो जाए, एक बाजी। अच्छा ये लो पेन वापस चाहिए ना, ये लो बस पेन लो, पेन लो। बस मैं यही चाह रहा था, यही चाह रहा था, यही चाह रहा था। चेस खेल। और खुद को मैं हारने नहीं दूंगी, ये मेरा तुम्हारे सारे खानदान से वादा है। जी तुमसे कोई मिलने आया है? मुझसे? दादी? नहीं कोई आदमी है। कोई आदमी? पता नहीं, लॉन में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जाओ तुम। एक्सक्यूज मी जी, आपको मुझसे मिलना था? हाँ तुमसे मिलना था। आप यहाँ? आप तो इस्लामाबाद में थे ना? तो सारी जिंदगी के लिए थोड़ी गया था, वापस तो यहीं आना था। लेकिन आप यहाँ पर क्यों आए और यहाँ का एड्रेस किसने दिया आपको? देखो मापारा, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। और ये एड्रेस का क्या है? वो तो मैंने ढूंढ ही लेना था। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, तुम घर छोड़कर जाओगी तो मैं तुम्हारी खैर खबर नहीं लूंगा? घर छोड़कर नहीं गई थी मैं, वहां से निकाली गई थी। और ये बात आप जानते हैं कि? मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी और उसके लिए मैं शर्मिंदा भी हूं। लेकिन मां पारा यकीन जान, वो सब कुछ मैं तुम्हारे मुंह से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। पूरी दुनिया भी कहती ना मुझे तो मैं उस बात पे यकीन नहीं करता, लेकिन वो अल्फाज तुम्हारे मुंह से सुनकर अच्छा नहीं लगा मुझे। तो अब क्या हुआ? मैं तो आज भी अपनी उसी बात पर कायम हूं जो मैंने कहा था। तो आप भी अपनी उसी बात पर कायम रहे ना जो आपने कहा था। मैंने कहा ना मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने कॉल भी की थी तुम्हें और दूसरे दिन घर भी आया था, लेकिन तुम जा चुकी थी, क्या करता मैं? जो तुमने मुझे बताया वो अधूरा सच था, अब मैं पूरा सच जान चुका हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो खुश हूँ कि कम से कम मुझे बगैर किसी के सहारे के अपने पैरों पे खड़ा होना आ गया। और आप प्लीज आइंदा यहाँ पर मत आइएगा। और यकीनन वो नोट्स और डेट शीट आपने ही भिजवाई होगी, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन आइंदा आप ये मेहरबानियां मत कीजिएगा प्लीज। अल्लाह हाफिज़। तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी माँ पारा, हमेशा पड़ेगी। सुने राइडर से कहें कि ये फाइल रजा बिल्डर तक पहुंचवा दे, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू। ओके एवरीथिंग सीम्स ऑलराइट, परफेक्ट। अरे आने से पहले बता तो देती। क्यों, आपने फूल बिछा देने थे? नहीं नॉट रियली, वो मुझे साइट विजिट करने जाना था, तो अगर पहले बता देती मैं कुछ मैनेज कर लेता। तो आप बताया ना मुझे निकलना है।
ठीक है तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। चले कहाँ? साइट पर आपके साथ। Are you serious? वहाँ बहुत तेज धूप होगी। ये तो और भी अच्छी बात है, मैं आपके साथ अम्ब्रेला पकड़ के खड़ी हो जाऊंगी। You know what? Let's do this. के पहले तुम घर जाओ और साइट विजिट करने के बाद मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगी, okay? अब तो मैं आपसे मिलने आ चुकी हूँ। वो भी बिना बताए। ठीक है, मेरी गलती है ना, तो मैं मैनेज कर लूंगी, आपके साथ धूप में खड़ी हो जाऊंगी। कौन सारा, समझने की कोशिश करो, वहाँ बहुत गर्मी। तो आपके लिए गर्मी भी बर्दाश्त कर लूंगी। बदनामी से डर नहीं लगता? बदनामी? मैं तो मोहब्बत में बर्बाद होने से भी नहीं डरती। वैसे एक बात बताओ, यहां क्या सारी लड़कियां ऐसे दावे करती हैं? थैंक यू, मैं बस एक कॉल करके आपको दे रही हूँ फोन। हेलो, ये सब क्या है? क्या सब? आपने ये फोन और ये इतना सारा खाना क्यों भेजा? खाना खाने के लिए और फोन? मैं अपने लिए खाना मंगवा सकती हूँ। तो मुझे बार बार क्यों बताती हो कि तुम क्या क्या कर सकती हो? क्योंकि मैं कर सकती हूँ। देखो माँ, पर जरूरी नहीं कि इंसान हमेशा वो करे जो वो कर सकता हो, बाज़ुकात वो करना पड़ता है जो जरूरी हो। और आपको लगता है कि आपका खाना भिजवाना जरूरी है? इस वक्त तुम्हारा खाना खाना जरूरी है और उसके बाद पेपर की तैयारी करना। खाना खाने का क्या है? एक बार फेल हो जाओ तो पकाती रहना, फिर खाती रहना, समझी? अच्छा ठीक है, गुड। अच्छा खाना तो ठीक है, लेकिन आपने ये फोन क्यों भिजवाया? इसलिए कि आइंदा मुझे फोन करने के लिए तुम्हें किसी और के फोन की जरूरत ना पड़े। मैं आज के बाद आपको फोन नहीं करूंगी। सुबह भी तुमने यही कहा था, याद है ना? देखो अब कर लिया। तो वो तो मजबूरी है ना? मेरी भी मजबूरी है। क्या? मैं तुम्हें मजबूर नहीं देख सकता। वेल, मेरे पास तुम्हारा सारा शेड्यूल मौजूद है, ड्राइवर तुम्हें पिक भी कर लेगा और ड्रॉप भी कर देगा। इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद। तुम्हें जरूरत नहीं हो, लेकिन मुझे आदत हो गई है लोगों को पिक एंड ड्रॉप देने की, तो मैं फॉलो करने की।
आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जब सुबह ड्राइवर को वापस भेज दोगी तो वापसी पे मुझे ही आना पड़ेगा। चलो बैठो, रिक्शे नहीं आते यहाँ। तो कैब सर्विस तो होगी ना, मैं चली जाऊँ। कैब सर्विस अवेल करने के लिए फोन की जरूरत होती है, जो के डब्बे में बंद तुम्हारे कमरे में रखे। आप प्लीज मेरे लिए सब कुछ मत किया करें। पेपर कैसा रहा? अच्छा था। गुड। अच्छा चलो, पहले हम खाना खाएंगे, एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट मिला है मुझे, और उसके बाद मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगा। आप पहले मुझे ड्रॉप कर दें, उसके बाद आपको जहाँ जाना हो आप चले जाइए। मैं अकेले जाके क्या करूंगा वहाँ? तो मैं क्या करूंगी जाके? खाना खाओगी और क्या करोगी? मुझे पता है पेपर की टेंशन में तुमने खाना नहीं खाया। आप प्लीज अब्बा बनने की कोशिश मत करें, वो भी इसी तरह जिद करके मुझे खाना खिलाते हैं। अब चाचा का कुछ तो असर आएगा भतीजे पर। चलो जल्दी करो, मुझे भूख लगी है और वैसे भी पेट खाली होता है तो बहुत गुस्सा आता है मुझे। चलो तो मैं बगैर बताए आई, डिनर तब करूंगी जब इनवाइट करेंगे। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, मोहम्मद बहुत कम कुकिंग करती है लेकिन बहुत अच्छा बनाती है। रुक जाए थोड़ी देर। वैसे एक बात बताओ, यहां क्या सारी लड़कियां ऐसे दावे करती हैं? कौन है वो जिसने लड़कियों को ही बदनाम कर दिया? किससे बात करूं? अस्मा से बात करूं क्या? दादी को सालार के बारे में बता दूं कि वो यहाँ है? एक दोस्त होना भी कितनी बड़ी नेमत है। दादी को बता देती हूँ। दादी का नंबर क्या है? मुझे दादी का नंबर याद ही नहीं है। ये किसका नंबर है? डायल करूं। हेलो, अगर फोन ऑन करके नंबर मिला ही लिया था तो बात भी कर लेती। I'm sorry, वो मुझे पता नहीं था कि आपका नंबर है। तुम परेशानी में मेरे अलावा किससे बात करना चाहती हो?
आपसे किसने कहा कि मैं परेशान? अगर परेशान नहीं होती तो तुम्हारा फोन बंद होता। अच्छा मेरी बात सुने। आता हूँ। कहाँ आता हूँ? तुम्हारी बात सुनने आ रहा हूँ, बाहर आ जाना। हाँ आ जाओ।